आइए इस समय हम परमेश्वर की तारीफ में हम एक गीत गाएंगे। बहुत सुंदर गीत है। गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। और सच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना इस संसार में हम कुछ नहीं करते, हम अधूरे हैं। जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हमको अगुवाई नहीं होती है, हम इस संसार में सफल नहीं हो सकते। आइए उस परमेश्वर की सामर्थ्य को हम मांगे, उस पवित्र आत्मा को हम मांगे जो परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे तुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हालेलुया। हे यीशु मसीह, मुझे ऐसा कर दे, जहां भी मैं जाऊं मैं तेरे ही गीत गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है तेरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है तेरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस रा
राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तुम भी तो जान गीत तेरे गाऊं, जहां भी हूं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर का। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हे प्रभु मुझे तू आत्मा से भर दे, ताकि मैं आत्मा में भर के पिता परमेश्वर हर पल में तेरी स्तुति करूं, तेरी महिमा करूं। आइए खुदा की इबादत में हम आगे बढ़ते हैं। आज के मनन के लिए जो पाठ हमने चुना है वो पाया जाता है डैनियल नबी की किताब, डैनियल नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय, डैनियल चैप्टर 2 वर्सेस, कुछ आयतें मैं आपके सामने यहां पढ़ूंगा। डैनियल उसका दूसरे अध्याय में लिखा है, अपने राज के दूसरे वर्ष में नबूकदनज़र ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं, कि वे राजा को टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। आगे खुदा उन्हें कलाम कहता है, इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को मैं कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और उसका हम फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे सर घर फुकवा दिए जाएंगे, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दोगे तो मुझसे भली भांति के दान तो मुझसे भरी भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल बताएंगे। यहां पर राजा एक बात ये पूछता है, कहता है कि तुम भी स्वप्न तुम बताओगे और उसका फल भी तुम बताओगे, उसका मतलब क्या है। और यहां एक बड़ी भारी आज्ञा, अगर तुम उसको नहीं बता पाओगे तो तुम बड़ी संकट में पड़ जाओगे और अगर बता दोगे तो तुम बड़ी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए मुझे तुम फल भी बताओ और स्वप्न भी बताओ। और राजा ने उत्तर दिया कि हम उसका मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहता हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें करेंगे, इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। ये खुदावन का मुकद्दस कलाम है, खुदा अपने कलाम के पढ़े सुने और अमल किए जाने पर अपनी बरकत दे। आइए थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज की संध्या काल मैं जो आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, जो भी खुदा ने टूटी फूटी भाषा में मुझे अपना कलाम दिया है, हम आज थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि डैनियल नबी के जीवन से। कुछ समय पहले भी मैंने डैनियल नबी के बारे में आपसे बातचीत की थी, आज भी हम डैनियल नबी के बारे में हम देखेंगे जो कि मैंने अभी कुछ पद आपके सामने पढ़े। प्यारे बहनों भाइयों, डैनियल की किताब में हम देखते हैं कि यहां पर आज के पाठ में किताब में हम देखते हैं कि उसके डैनियल नबी की कहानी में और उसके अध्याय में उसके तीन दोस्तों की कहानी है। ये दोस्त जो थे, उसके तीन दोस्त और डैनियल नबी, ये चारों बाबुल में बंध हुए थे, बाबुल में ये बंधुआई में बंधे थे।
लेकिन ये हम देखते हैं कि ये विश्वास में पक्के थे, खुदावन पर ये विश्वास करते थे, उसके विश्वास में चलते थे और हरेक परीक्षा में और सताव में परमेश्वर उनका रक्षक रहा, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। सताव में परमेश्वर उनके साथ साथ था, जीवन में उनके साथ साथ था, हर दुख में, हर परेशानी में, हर संकट में परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। और यहां हम देखते हैं कि आज के इस पाठ में कि परमेश्वर ने अनेकों दर्शनों के द्वारा बहुत से रहस्यों को, बहुत से पर्दों को हम देखते हैं कि डैनियल के द्वारा उठवाया, बहुत से रहस्य को डैनियल के द्वारा परमेश्वर ने जाहिर किया। राजा एक ख्वाब देखता है, नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है, एक ख्वाब देखता है और ख्वाब देखकर वो भूल जाता है कि मैंने क्या ख्वाब देखा। बड़ा परेशान होता है वो, क्या मेरा ख्वाब था, क्या उसका मतलब था। और उसने टोने वालों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, तमाम तंत्र मंत्र जानने वालों को बुलाया, स्वप्न के मतलब करने वालों को बुलाया, तमाम उसने अपने राज में लोगों को बुलाया उसने कि कोई आके मेरे स्वप्न को बताए और स्वप्न बताए, उसका मतलब बताए कि क्या स्वप्न है। सचमुच बड़ा मुश्किल काम है ये, कोई भी टोने वाला, कोई जादूगर, कोई तांत्रिक, कोई तंत्र मंत्र वाला उसको नहीं बता पाया। सच ए डिफिकल्ट वर्ड, ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि राजा उस स्वप्न को देख के भूल गया था। हम भी बहुत सी बार कभी स्वप्न देखते हैं रात में और सुबह भूल जाते हैं, लेकिन किसी के स्वप्न को बताना और उसका अर्थ बताना ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वो आए नहीं बता पाए। राजा ने कहा कि अगर तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता दोगे और मेरा स्वप्न बता दोगे तो तुम बहुत सम्मान पाओगे, बहुत आदर पाओगे और बहुत इनाम पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि राजा हमको समय दीजिए, हम कुछ करते हैं, हम किसी और ढूंढ के लाते हैं। लेकिन डैनियल को जब इसकी खबर मिली, वो परमेश्वर की सहायता से स्वप्न और उसका अर्थ दोनों बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस डैनियल ने परमेश्वर के सामर्थ्य से, क्योंकि परमेश्वर के विश्वास में वो चलता था, परमेश्वर की आज्ञाकारी था, परमेश्वर की आज्ञा में वो चलता था। और डैनियल को जब इसकी खबर मिली कि राजा ये चाहता है कि कोई उसका स्वप्न बताए, उसका अर्थ बताए, क्योंकि डैनियल जानता था कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। परमेश्वर ने इस जब उसको बंधक बना के लाए थे, परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। डैनियल एक विश्वासी था, बराबर परमेश्वर के साथ उसका संबंध प्रार्थना के द्वारा जुड़ा रहता था। और डैनियल ने एक उसका अर्थ बताया, एक लंबी चौड़ी मूर्ति को चूर चूर कर दिया। राजा ने स्वप्न देखा एक लंबी चौड़ी मूर्ति को चूर, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ अनंत काल तक है। परमेश्वर ही अपने लोगों को सामर्थी बनाता है। डैनियल के पास ये सामर्थ कहां से आई, डैनियल के पास इतनी बड़ी जो शक्ति थी वो कहां से आई? परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थी बनाता है। हालेलुया, वो अपने लोगों को प्रयोग करता है, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि लोग उसके परमेश्वर की सामर्थ की गवाही दे सके। आज के पाठ में हम देखते हैं एक बड़ी मूर्ति का बयान है, अब जो बहुत लंबी चौड़ी मूर्ति थी, लेकिन उस मूर्ति में एक बात यह थी कि उसमें मिलावट थी, उस मूर्ति में मिलावट थी। उसके हाथ, उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे, कुछ लोहे के, कुछ मिट्टी के थे। उस बड़ी मूर्त की यह खासियत थी कि उसमें कुछ लोहा था और कुछ उसमें मिट्टी थी। यानी हम इस बात को कलीसिया के अंदर अगर हम रख के देखें, कुछ लोहा कुछ मिट्टी, अगर इस बात की तुलना हम कलीसिया से करें, अपने लोगों से करें, तो कुछ लोहा और कुछ मिट्टी, इसका क्या मतलब? कुछ लोहा कुछ मिट्टी यानी कि मिलावट है उसमें, ना तो वो पूरी तरह से मिट्टी की है ना वो पूरी तरह लोहे की है, यानी उसमें ज्यादा लोहा भी हो सकता है, ज्यादा मिट्टी भी हो सकती है, अर्थात आधा आधा भी हो सकता है, थोड़ा लोहा थोड़ा ज्यादा मिट्टी भी हो सकती है, या फिर थोड़ा लोहा और ज्यादा मिट्टी, कुछ भी हम मान सकते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, डैनियल दूसरा अध्याय अगर हम देखें और 40वीं आयत अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 40,
चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य में सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। हालेलुया। या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा लोहा तो ज्यादा मट्टी, या फिर कैसे ज्यादा मट्टी या ज्यादा कम लोहा। मिलावट अर्थात दोहरा जीवन, ड्यूअल लाइफ, दोहरा जीवन। आज हम देखते हैं कि दोहरा जीवन हम पाते हैं आज मनुष्य में। ड्यूअल लाइफ बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं, परमेश्वर से क्या और संसारिकता में भी चलना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष भी पाना चाहते हैं और संसारिकता में भी वो घुले रहना चाहते हैं, संसारिकता को भी नहीं छोड़ना चाहते और परमेश्वर को भी नहीं छोड़ना चाहते। दोहरा जीवन, आधा मट्टी आधा लोहा। लोहा हम देखते हैं यानी लोहा की तरह मजबूत, लोहे में मजबूती होती है। लोहा तोड़ देता है, लोहा काट देता है, लोहा टुकड़े टुकड़े कर देता है, लोहा कुचल डालता है। लोहे का ये गुण है, ताकत, मजबूती, लंबे समय तक एक मजबूती में बना रहता है लोहा। मकान के बनाने में हम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जो लंबे समय तक चलता है, पुश्तें निकल जाती हैं और वो खड़ा रहता है। यानी लोहा एक मजबूती को जाहिर करता है। इसमें असलियत यह है कि महंगा होता है, कीमती होता है, लेकिन लोहे की तुलना में मिट्टी कमजोर है, उसका कुछ ज्यादा वजूद नहीं है। हालेलुया। कुछ दिन की ही है, सस्ती है, उसकी कदर भी कम है। कुछ लोहा कुछ मिट्टी यानी कलीसिया की तस्वीर डैनियल यहां बताता है। ये कलीसिया की तस्वीर हमारे सामने है, हो सकता है कि शरीर तस्वीर मेरे और आपकी भी हो, कुछ लोहा कुछ मिट्टी हो सकता है कि हमारा आधा जीवन परमेश्वर के लिए हो सकता है कि हमारा आधा जीवन संसारिकता में हो। प्यारे बहनों भाइयों, कुछ लोग कच्चे कुछ पक्के, ना तो सब कच्चे ही हैं ना सब पक्के, लेकिन बहुत कुछ पक्के हैं। आत्मा से भर दे मुझे। जब आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है, हम लोहे के समान मजबूत हो जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन बदल जाता है। कुछ लोग इंसानी जीवन में कुछ कच्चे और कुछ पक्के, कुछ बहुत ही पक्के होते हैं इंसानी जीवन में और कुछ बहुत ही कच्चे होते हैं, और इस मिलावट में कई बातें हम पाते हैं। मिट्टी कई बातों को जाहिर करती है, मिट्टी कई बातों को सिंबलाइज करती है, कई बातों को जाहिर करती है जो इस मिट्टी के समान है, अपने जीवन में कच्चे है, जिनका जीवन कमजोर है। प्रभु हमारे जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मजबूत बनाना चाहता है, उस लोहे के समान बनाना चाहता है। आज अगर हमारा जीवन उस मिट्टी के समान है, हमारा स्वभाव में क्रोध होगा, हमारे स्वभाव में लालच होगा, हमारे स्वभाव में गुस्सा होगा, बुराई होगी, नफरत होगी, लड़ाई होगी, आलोचना होगी, ये तमाम बातें उस कच्ची मिट्टी को जाहिर करती हैं। प्यारे बहनों भाइयों, अगर हम देखें दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय, सेकंड तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय, और कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस तरह से लिखा है, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। याद रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और आगे क्या होगा उनको स्वभाव उस मट्टी के समान, जिनका जीवन मट्टी के समान क्या होगा, वे भक्ति का भेष तो भरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। इन्हीं में से भी लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसकर आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबे और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर वे सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है
और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे बढ़ नहीं सकते। प्यारे बहनों भाइयों, वे इससे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई है, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। और हम देखते हैं, अगर मती के अगर 13वें अध्याय में अगर हम जाएं, मती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, तो वहां पर भी वचन कहता है कि मानो वो चूना पुती हुई लिपी हुई कब्रों के समान है, जो बाहर से चमकती हैं पर अंदर से बदबू और सड़ान से भरी हैं। आजकल हम देखते हैं ये है वो स्वभाव जो कि मट्टी के हैं, लेकिन जिनके अंदर लोहे जैसा विश्वास है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, प्यारे बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा उनको बदलती है। वे हमेशा मसीह में सामर्थी रहते हैं, विश्वास में पक्के रहते हैं। डैनियल के समान वो एक विश्वासी जीवन को जीते हैं, उसके मित्रों के समान वो एक विश्वास में आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 1ली आयत अगर हम देखें, तो वहां पर खुदा कलाम इस तरह से कहता है, जो जिंदा कहलाता है मगर मुर्दा ये है। तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन तू मुर्दा है, ये खुदा कलाम। ये है मट्टी का गुण। आज इस मिलावट की वजह से भी इंसान ने अपने जीवन में काम को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, परमेश्वर की संगति से हट गया है, और शैतान ने अपने काम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसने इंसान को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है, वो परमेश्वर से दूर हट गया है, परमेश्वर की सामर्थ को भूल गया है, और उसका जीवन उस मट्टी के समान कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को कभी कमजोर नहीं होने देगा। हालेलुया। वो पापियों के लिए संसार में आया, हमारे लाख पापी जीवन स्वभाव होने के बाद भी परमेश्वर ने आज तक हमको मौके दिए हैं। हिजकिएल 33:11 में खुदा कलाम कहता है, परमेश्वर कभी किसी गुनहगार की हलाकत से खुश नहीं होता, बल्कि हर किसी को बदलने का समय देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यह समय आज मुझको और आपको भी दिया है। शैतान इस संसार में मनुष्य को उसने और बिजी कर दिया है। हम पूरे हफ्ते बिजी तो रहते ही हैं, लेकिन संडे को हम और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। चर्च आने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, आज संडे का दिन हमको मिला है। शैतान ने हमें और ज्यादा पूरे हफ्ते तो बिजी रखा, अच्छी बात है, हम नौकरी पे जाते हैं, लेकिन जो संडे, जो सबत का दिन है, जो परमेश्वर का दिन है, जो परमेश्वर ने कहा कि सबत के दिन को पवित्र मान उसे, हम उसको भूल जाते हैं और अपने संसारिक कामों में बिजी हो जाते हैं। आधा मट्टी आधा लोहा, या पूरा मट्टी का हमारा जीवन। हम जानते हैं कि हम हमारा जीवन कैसा है, हम किस चीज के हैं, या हम लोहे के बने हैं या मट्टी के बने हैं। हमारा विश्वास लोहे के समान है या उस कच्ची गीली मट्टी के समान है, जो कि एक सेकंड में बह जाती है, टूट सकती है। बहुत सी बार हम खुद को भी इस मूरत की तरह हम ताकतवर समझते हैं। ये मूरत हो सकता है कि बहुत ताकतवर हो, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकतवर। सच्चाई हमारा आत्मिक जीवन, कलीसिया जिंदगी हमारी कैसी भी हो, कमजोर हो, चर्च हम ना जाते हो, प्रार्थना ना करते हो, फेलोशिप ना करते हो, लेकिन हम अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। हम आत्मिक तो दिखते हैं बाहर से, लेकिन क्या हमारा जीवन अंदर से भी आत्मिकता है? क्या हमारे जीवन में आत्मिकता है? क्या हम परमेश्वर को उतना महत्व देते हैं? क्या हम परमेश्वर के दासों को महत्व देते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को जब दिया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, क्या हम संडे को महत्व देते हैं? क्या हम चर्च जाते हैं? आज जब हम धीरे धीरे उस हम 9 डेज की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है परमेश्वर के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? कितना हम परमेश्वर के वचन में आज तक हम आगे बढ़े हैं? कितना हमने परमेश्वर के वचन का प्रचार हमने किया है? कितना हमने, जो लोग आज चर्चेस में नहीं आते, हमने कितना जाके उनको बोला है कि आप परमेश्वर की संगति में आइए? कितना हमने उनकी काउंसलिंग की है जाके? कितना हमने बैठ के उनके लिए प्रार्थना की, जो लोग परमेश्वर के उस बाड़े में नहीं है, जो उस बाड़े से बाहर है? प्रभु मसीह जो 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को लेने के लिए आया, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे जब खुदा का इंसाफ होगा, हिसाब मांगे कि मैंने तुझे कलाम दिया, मैंने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन तूने कितनी भेड़ों को बचाया, तूने कितना मेरे राज का प्रचार किया। तेरा जीवन तो उस मट्टी के समान था, मैं तुझे लोहा बनाना चाहता था, लेकिन तू तो मट्टी का मट्टी ही रहा। परमेश्वर मुझको और आपको सामर्थी बनाना चाहता है।
मैं खुदा का शुक्र करता हूं, बहुत सी गवाहियां हमारे जीवन में हैं, आपके जीवन में भी होंगी। जब मुसीबतें हमारे जीवन में आई, तकलीफें हमारे जीवन में आई, पहाड़ सी कठिनाइयां हमारे जीवन में आई, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। मेरा ऑपरेशन हुआ, खुदा ने सामर्थ्य दी मुझे, इस योग किया कि मैं दोबारा, मैं परमेश्वर कहते प्रभु मैं तेरे कलाम को, मैं जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तेरे कलाम से मैं और मेरी पत्नी मेरा परिवार पीछे नहीं हटेगा। हमने खुदा से वादा किया, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। खुदा कभी याद रखिए छोड़ेगा नहीं, कभी भी। बहुत सी बार हमारी जिंदगी कमजोर हो जाती है, बहुत सी बार हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानी होती है, लेकिन परमेश्वर हमको मजबूत बनाए। जितने हम विश्वास मजबूत रहेंगे, लोहे के समान मजबूत रहेंगे, उतनी ही हम परेशानियों पर हम विजय पा सकते हैं, उतनी ही कठिनाइयों को हम जीत सकते हैं। परमेश्वर ने हमको ये कलाम दिया है, परमेश्वर ने हमको दास दिए हैं, सेवक दिए हैं, कि हम उसके कलाम को समझ सकें। जो कि हमें कलाम को समझाते हैं, आवश्यकता है कि हम उस कलाम को समझें। और खुदा कलाम कहता है कि धन्य वो जो इस वचन को सुनते ही नहीं बल्कि इस पर चलते हैं। शुरू में तो लोहा ही लोहा था हमारा जीवन, हमारे अजीज, हमारे बाप दादे, हमारे बुजुर्ग खुद को दीन बनाकर मसीहत को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। हमारे बाप दादों ने, हमारी पीढ़ियों ने, हमारे उन लोगों ने जिन्होंने इस मसीहत के लिए कुर्बानियां दी, हमें आराधना के लिए हमें भवन दिए, पवित्र कलाम खुदा ने हमको दिया, अगुवे हमको दिए, हमारे बड़े जो थे, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, एवरीथिंग जो दे सकते थे, समय दिया उन्होंने, अपना दान दिया, बड़े दुख तकलीफ बर्दाश्त करी, उनके जीवन में केवल लोहा ही लोहा भरा था। हालेलुया। उन चर्चेस की मसीहत की बुनियाद वो रख गए कि हम उस बुनियाद को और हम लोहे से मजबूत करें, लेकिन आज क्या हमारा जीवन उस लोहे के समान है? ये प्रश्न खुदा आज की संध्या काल मुझसे और आपसे करना चाहता है। पहले जीवन में हम दो तीन पीढ़ी पीछे जाएं, लोहा ही लोहा भरा था, मजबूत जीवन था, हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग लोग, जबकि इतना वो उन पैसे से वो नहीं थे, मजबूत नहीं थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा से मजबूत थे। हालेलुया, सामर्थ्य थी उनके पास, आत्मिकता मसीहत में उनके थी, एक मजबूत जीवन, आत्मिकता में लोहा ही लोहा था, लोहा ही लोहा था उनकी आत्मिकता में, मजबूती थी, विश्वास की मजबूती थी। लेकिन मित्रों, हम जो तीसरी और चौथी पीढ़ी के हैं, हमारी मसीहत की गर्मी, जोश कहां चला गया? वो लोहा जो हमारे बुजुर्गों ने के जीवन में था, उनकी आत्मिकता में था, वो कहां चला गया? वो प्रार्थनाएं जो उनके जीवन में थी वो कहां चली गई? वो उपस्थिति जो परमेश्वर की संगति में उन्होंने बिताई थी वो कहां चली गई हमारे जीवन से? ये प्रश्न परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है। वो मसीहत कहां चली गई? लोहे के बजाय जीवन में मिट्टी बहुत आयस से आ गई, हम गुनगुने हो गए, वो गर्मी खत्म हो गई, बहुत आयस से मिट्टी आ गई। और दोस्तों, इस मिलावट के लिए जरूरी है कि इस मूरत की लंबाई चौड़ाई से कहीं हम बहक ना जाए। ये मूरत जितनी लंबी चौड़ी थी, आज यही मूरत इस संसार में बहुत से रूप में हमारे सामने है, कहीं उसकी लंबाई चौड़ाई देख के, उसमें शक्तिशाली को देख के, कहीं हम कमजोर में, कमजोरी में भटक ना जाए। परमेश्वर ने ऐसे जीवन को स्वीकार नहीं किया, यानी ना पसंद किया कि हम संसार में रहते हुए संसारिक बातों से घबरा जाएं, डर जाएं। तो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि खुदा हमारे विश्वास को लोहे की तरह खालिस और मजबूत बनाना चाहता है, उसमें मट्टी नहीं चाहता। प्यारे बहनों भाइयों, और विश्वास का मतलब पूरी तरह से खुदा पर डिपेंड होना, पूरी तरह से। और तभी हम डिपेंड होंगे जब हमारे जीवन में पुख्तगी आएगी उस लोहे के समान, मजबूती आएगी उस लोहे के समान। बहुत सी बार अपनी ऐसी जिंदगी पर हम बहुत घमंड करते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, हमारे पास सब कुछ है,
नथिंग। हमारा क्या है? हमारे अहकाम हमारे हैं, हमारे काम है जो संसार में हम करते हैं वही हमारे साथ जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ऐसे जीवन पे घमंड कर रहे हैं जिसमें आधा लोहा आधा मिट्टी है, जो ना हम खुदा की तरफ रह पाते हैं ना हम संसारिकता में हो पाते हैं, हम इस संसार में भटकते रहते हैं उस नाव के समान जिस नाव में कोई पतवार नहीं है, उस नाव में कोई चप्पू नहीं है। और एक समय आता है जब वो नाव जिसमें चप्पू नहीं है, जिस नाव का खिवैया प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो नाव डूब जाती है। हालेलुया। परमेश्वर एक खेवट बनके, एक चप्पू बनके हमारे जीवन की नाव को वो आगे बढ़ाता है, डूबने से बचाता है, आंधी तूफानों से बचाता है। कुछ समय बाद ये मट्टी झड़ जाती है, हमारी दिखावटी शक्ति खत्म हो जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं, हम हार जाते हैं अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, अगर हमारे जीवन में पुख्तगी नहीं है, अगर हमारे जीवन में मजबूती नहीं है। पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय और 7 पद देखें हम क्या लिखा है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 और वर्स 7, पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय 7वीं आयत में खुदा का कलाम इस तरह से कहता है, परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद पर और ना उसकी ऊंचाई पर। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, मैंने उसको अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तू उसको, मैंने उसको अयोग्य। खुदा ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे पर ना जा, उसकी कद पर ना जा, उसकी ऊंचाई पर ना जा, उसकी लंबाई पर ना जा, उसकी चौड़ाई पर ना जा, उसकी शक्ति पर ना जा, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैंने उस मूर्ति को जो कि लोहे और मट्टी की बनी थी, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। प्यारे बहनों भाइयों, इसलिए कि मैंने उसे ना पसंद किया, यानी हमें शैतान के कद को लंबाई को चौड़ाई को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि लोहे के समान उसका सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यह उसका वादा है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। हो सकता है कि मां अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं ना तुझे भूलूंगा ना तुझे त्यागूंगा, क्योंकि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हालेलुया। गोलियत के बारे में हम देखते हैं, गोलियत दाऊद से बड़ा लंबा चौड़ा ताकतवर कद्दावर था, लेकिन दाऊद के जीवन में लोहा ही लोहा था। हालेलुया। शक्ति थी, कौन था शक्ति देने वाला? परमेश्वर। दाऊद के जीवन में परमेश्वर था जिसने दाऊद को छोड़ा नहीं, उसमें मिट्टी की मिलावट नहीं थी दाऊद के जीवन में। हमें यह नहीं सोचना है कि मूरत कितनी बड़ी है, बल्कि यह देखना है कि उसमें क्या कमी है। वो लोहे से बनी है या मिट्टी से? कभी कभी जीवन में हम लोग लोहे के समान दिखाई तो देते हैं, बल्कि वास्तविक रूप से केवल मट्टी के समान होते हैं, किसी काम के नहीं। बहुत सी बार हमारे जीवन में ये मट्टी आ जाने के कारण हम चर्चिस तो जाते हैं, आराधना में जाते हैं, चंदा भी हम देते हैं, लेकिन जब हम चर्चिस में बैठते हैं जाके हमारे ध्यान कहां होते हैं? 30 साल की सेवकाई में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, अभी कर रहा है। बहुत से लोग को जीवन में देखा मैंने, ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। वो चर्च में तो बैठते हैं लेकिन उनके ध्यान कहीं और भटकते रहते हैं, खिड़कियों से बाहर देखते रहते हैं और कहीं सोचते रहते हैं, भटकते रहते हैं। केवल उनके ध्यान रहते हैं पादरी साहब ने नोटिस अनाउंसमेंट क्या की है, उन्हें कुछ नहीं मालूम कहां से वचन पढ़ा गया। आधी मिट्टी आधी सोना। सैमसन के जीवन में हम देखते हैं
बाइबल में बड़ा अच्छा उदाहरण सैमसन का हमको मिलता। सैमसन के जीवन में भी मट्टी आ गई, उसके जीवन में पाप आ गया, वो हार गया, उसकी शक्ति जाती रही, ताकत उसकी खत्म हो गई। हेरोदेस के जीवन में हम देखते घमंड डूबी मट्टी आ गई, वो मारा गया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिस संसार में हम जी रहे हैं, हमको बहुत ही सावधान रहना है प्यारे बहन भाइयों। हमें कभी हमें परेशानियां बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं उस मूर्ति के समान दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, पैसे की परेशानी, बच्चों के फ्यूचर की परेशानी, आगे रिटायरमेंट के बाद की परेशानी, मकान की परेशानी, परेशानी ही परेशानियां हमें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन परमेश्वर अपने काम बहुत आराम से धीरे धीरे करता है, हमको पता नहीं चलता, हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देता है, क्योंकि वो तमाम जो परेशानियां, वो जो बड़ी बड़ी हमको दिखाई देती हैं, परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में मिलावट है तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे जीवन के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है, और हमारे उस अनंत जीवन के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया जो कोई नहीं कर सकता, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमारे अनंत जीवन के लिए भी इस मिलावट के द्वारा एक बहुत बड़ा खतरा है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मट्टी और लोहा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। हम दो स्वामियों की सेवा कभी एक साथ नहीं कर सकते। कि हम संसारिकता में भी चलें और हम परमेश्वर की ओर भी चलें, हमको एक को चुनना होगा। यहोशू ने कहा अपने परिवार के साथ, मैं तो अपने परिवार के साथ उस प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। क्या आज यहोशू के समान मेरी और आपकी गवाही है? क्या आज हमारी गवाही ये है, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां जहां कोई नहीं है, जहां सूखा है, जहां आवश्यकता है कि वहां वचन का बीज बोया जाए, वहां हल चलाया जाए। हे प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां। इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने परमेश्वर से कोई आर्गुमेंट नहीं किया, उसने कहा जहां तू प्रभु मुझे लेके जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। उसने अपना घर बार अपने सब कुछ छोड़ दी। हम संसार में हमको एक तरफ होना होगा, या तो हमें लोहे का होना होगा जो प्रभु हमको बनाना चाहता है, वरना मिट्टी हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी, गोलियत के समान हम मारे जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन जो कि कमजोर हो जाएगा। प्रभु उसको कभी कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए जरिए बनाए। आज प्रभु ने ये पेज हमको दिया है भाई, हमारे अनुपम के द्वारा, उनकी सेवाओं के द्वारा, जो उन्होंने ये बोझ को उठाया है कि वो इस पेज के द्वारा परमेश्वर के वचन को और फैलाए, ताकि लोग उस लोहे के समान बन सके, इस वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को पा सकें उसके कलाम के द्वारा। प्यारे बहनों भाइयों, इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि ये देश आधा गुलाम आधा आजाद नहीं रह सकता। इसी तरह कोई भी कलीसिया आधी मसीह से दूर साथ साथ नहीं रह सकती, हमेशा तक नहीं रह सकती। हमको या तो मसीह के साथ रहना होगा, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। बिशप एडगर ब्लैक के द चर्च एंड द सोशल क्राइसिस के स्टेटमेंट हैं ये। एक व्यक्ति ने एक बार एक बहुत कीमती घड़ी खरीदी, बहुत महंगी घड़ी थी, और कुछ दिनों बाद ही वो देखता है कि वो घड़ी बंद हो गई, उसकी सुइयां रुक गईं, आगे वो नहीं बढ़ी। उसने देखा भाई, बहुत कुछ उसने हिला डुला के देखा, उसने सेल वेल चेक किए उसके, लेकिन वो घड़ी नहीं चली। और वो उस घड़ी को उतार के घड़ी सास के पास ले गया, और घड़ी सास के पास उसने उसको बोला, भाई ये घड़ी आप देखिए, मैंने बहुत महंगी घड़ी खरीदी है, ये घड़ी जो है बंद हो गई, ये नहीं चल रही है। घड़ी साहब ने उसका देखा सारा, कहा इसके सारे पुर्जे सही हैं, लेकिन इसमें एक कमी है,
सारे इसके पुर्जे सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस घड़ी में मट्टी आ गई है, इसलिए घड़ी बंद हो गई है। प्यारे बहनों भाइयों, हम मालूम करें कि क्या जांचें, क्या हमारे जीवन में कहीं घड़ी के समान कोई मट्टी तो नहीं आ गई जिससे हमारा आत्मिक जीवन रुक गया है, जिसमें प्रभु में हमारी बढ़ोतरी रुक गई है, हम वही के वही बच्चे के समान है, हम जो आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं कोई मट्टी है जिसने हमारे आत्मिक जीवन को रोक रखा है। प्रभु उस मट्टी को निकालना चाहता है। पिछले समय में हमने कितना अपने हमारा जीवन जो था पिछले समय में, अब तक का हमारा जीवन कितना लोहे में रहा और कितना मट्टी में रहा है, आज हम इस बात का सोचें। एक बड़ा गंभीर विषय है ये। अब तक हमारे जीवन में कितनी मट्टी रही, कितना लोहा रहा है। पिछले समय में हमें हम जांचें हमारे जीवन में जो मट्टी है वो लोहे में बदल जाए। हालेलुया। जो मट्टी अभी तक हमारे जीवन में है वो लोहे में बदल जाए। हमारे जीवन की मट्टी को बदलने में हमारी अपनी ताकत काम नहीं करेगी, खुदा का कलाम काम करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन को परिवर्तित करने में जो कि मट्टी को लोहे में बदल सकता है। प्यारे बहनों भाइयों, यशायाह नबी किताब उसका 60वां अध्याय और उसकी 17 आयत में खुदा का कलाम अपने नबी की मार्फत ये कहता है, मैं पीतल के बदले सोना और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। पत्थर के बदले मैं लोहा लाऊंगा। खुदा का दास ये बात कहता है, ये वो काम करने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमें उससे ये काम अपने दिलों में करने दें। परमेश्वर को ये काम अपने दिलों में करने दें। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से मांस का हृदय निकाल के मैं तुम्हारे अंदर एक लोहे को, तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हारे अंदर एक मांस का हृदय दूंगा जिसमें फीलिंग्स हैं, जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें तुम सोचोगे कि हाँ मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, कितना मैं लोहे का था, कितना मैं मट्टी का था। मैं तुम्हें एक ऐसा हृदय दूंगा जिसमें भावनाएं होंगी। मैं तुम्हें माइल स्टोन बनाना नहीं चाहता, मील का पत्थर बनाना नहीं चाहता जो सालों साल से एक स्थान पर खड़ा है। मैं तुमको आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सुंदर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ये काम हमारे दिलों में करने को आज भी तैयार है। वो हमारे हृदय को परिवर्तित करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। बाइबल में बहुत से उदाहरण, बहुत से कैरेक्टर हमारे ऐसे हैं, चरित्र हमारे ऐसे जिनके जीवन में लोहे के समान मजबूती थी। बाराक के जीवन में हम देखते हैं, अगर इब्रानियों हम देखें 11:32 न्यायियों उसका 4 अध्याय देखेंगे, बाराक के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, परमेश्वर पर भरोसा, खुदा की तारीफ करने वाला। बहुत से लोग इस संसार में देखते हैं कि अपनी तारीफ पहुंचाते हैं कि हमारा 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 नाम हो, हमारी तारीफ हो। बहुत सी बार चर्च में भी आगे रहना चाहते हैं कि हमारा नाम हो। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना, खुदा की तारीफ करने वाला, परमेश्वर ने उसे सफलता दी, परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया। एलियाजर के बारे में हम देखते हैं, सेवक था, विश्वास योग्य था। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और 2 हम देखें, जेनेसिस चैप्टर 15:2 उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और 2 आयत में लिखा है, लिखा है इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। एलियाजर के बारे में हम यहां पर देखते हैं, वो सेवक, एलियाजर सेवक था, विश्वास योग्य था, बुद्धिमान था, धन्यवादी था, स्वामी के को आगे रखने वाला था, अपने स्वामी को। हम अपने परमेश्वर को सदैव आगे रखें। संसारिकता हमें कुछ नहीं दे सकती, फॉर द टाइम बीइंग हम एंजॉय कर सकते हैं, पैसे से एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली में एंजॉय कर सकते हैं, संसारिकता में एंजॉय कर सकते हैं, देश विदेश में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो असली आनंद है, दाऊद कहता है वो परमेश्वर की संगति में आनंद है। हे प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यह आनंद जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को मिला,
यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं जो कि लोही जैसा उसका विश्वास था, परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पहुंचाया, परमेश्वर ने उसको सम्मान दिया, उसने परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर ने उसको आदर दिया, परमेश्वर ने उसको एक ऐसे ऊंचे स्थान पे पहुंचाया जहां उसकी कल्पनाओं में भी कभी नहीं था। परमेश्वर हमको भी ऐसे ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है जिसके विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड वो हमको ले जाना चाहता है। और ले गया खुदा ने, आज इतनी आशीष हमको दी है खुदा ने, हम काउंट नहीं कर सकते। सदैव परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। सच्चा परमेश्वर को सच्चा सम्मान देने वाला प्यारे बहनों भाई, आज हमारे जीवन में भक्ति भी है लेकिन दिखावा भी है। चर्च तो आते हैं पर बहुत सी बातों में हम चर्च से दूर भी हैं। ये मिट्टी क्या है? संसारिकता, लालच, अविश्वास, निराशा, झूठी कल्पनाएं, मजाक उड़ाना, बुराई, अनादर, परमेश्वर से दूरी, दुष्टों की संगति और दिखावा, ये वो मिट्टी है जो कि बहुत जल्दी हमारे जीवन पर आ जाती है। इसलिए हम देखते हैं भजन 2 में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर धन्य हो व्यक्ति जो दुष्टों की संगति में नहीं रहता, जो कि दुष्टों से दूर रहता है। परमेश्वर हमको उस संगति से दूर रखना चाहते क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम हमारा जीवन उस मिट्टी के समान हो और हम नाश किए जाए। इसलिए प्यारे बहनों भाइयों, आज परमेश्वर ने ये मौका हमको दिया है कि हम डैनियल नबी के समान हम सोचें। खुदा ने डैनियल को इतनी सामर्थ्य दी कि उसने एक कठिन काम को किया जो कोई भी उस मुल्क में नहीं कर सकता था। उस कठिन काम को डैनियल ने किया है कि उसने उस राजा के नबूकदनेस्सर के ख्वाब को उसने बता दिया, उसने उसके ख्वाब को बताया और उसके अर्थ को भी उसने बता दिया, मतलब को बता दिया। धन्य है सब परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आज की संध्या अपने जीवनों को हम प्रभु को सौंपते हैं। हम जानते हैं हम कहाँ कमजोर हैं, हम जानते हैं कि कहाँ हमारे जीवन में मट्टी आ गई है, कहाँ हमारे जीवन को उस मट्टी ने खोखला कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, आज भी प्रभु हमको क्षमा करने के लिए तैयार है, आज भी प्रभु हमको लोहा बनाने के लिए तैयार है, आज भी प्रभु हमको सामर्थ्य बनाने के लिए तैयार है, आज भी परमेश्वर हमको हिम्मत देता है। वो कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं चाहे वो बुजुर्ग भी हो जाए लेकिन वो सामर्थ्य पाएंगे, उड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ है। हम खुदावन पर शुक्र करते हैं आज की संध्या काल उसके कलाम के लिए जिसके जरिए खुदा ने बातचीत की हमसे। खुदा हमको सामर्थ्य बनाना चाहता है। इस कलाम को प्यारे बहनों भाइयों हमेशा अपने जीवन में साथ साथ रखें। ये कलाम वो सामर्थ्य है जो हमको हर परेशानी से बचाएगा, ये कलाम वो सामर्थ्य है जो हमको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बुलंदियों तक ले जाएगा, ये कलाम वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमको चंगाई देगा, यहोवा राफा है। ये कलाम जो है हमको शांति देने वाला है, यहोवा शालोम है। ये कलाम जो है हमारी जिंदगी में हर एक हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के संध्या काल। भाई अनुपम को धन्यवाद देता हूँ, अपनी बहन को शिवनम को धन्यवाद देता हूँ उनकी सेवाओं के लिए जो बराबर कर रहे हैं, और मेरी दुआएं मेरे परिवार की आप सबके साथ हैं। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका, जितने लोग भी आज हमारे साथ आज की हमारे इस आराधना में जुड़े हैं। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे और खुदा अपनी महिमा के लिए आप सबको इस्तेमाल करें। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। खुदा ने संभाला है, आगे भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों में रखे ताकि हम जब तक जीवित हैं उसकी सेवाओं को हम कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की संध्या के लिए और आज के कलाम के लिए प्रभु, जिसके जरिए आपने हमसे बातचीत की है। हम दुआ करते हैं खुदावन ये कलाम हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण हो, और जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में त्रुटियाँ हैं, जहाँ कहीं भी हमारे जीवन की में मट्टी भर गई है खुदावन, हम उसको निकाल सकें और अपने जीवन को खुदावन आपके वचन की सामर्थ्य द्वारा उस लोहे के समान बना सकें। चाहे कितनी मुसीबतें आएँ,
चाहे तूफान आए, खुदावन हम आप में अडिग रहें, अटल रहें और विश्वासी रहें। एक बार फिर खुदावन जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हर एक के साथ हर एक को आशीष दें, और दुआ करते हैं खासतौर से कि पेज खुदावन आपकी और महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमें रोज की रोटी आज हमें दी, और जिस तरह कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। सब कुछ जय मसीह की, खुदा आपको बहुत आशीष दे, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।